सो इन द प्रीवियस वीडियो वी वॉज टॉकिंग अबाउट द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हम उसकी दो स्टेजेस तक पहुंच गए थे. इधर हम फ्राइड की बात कर रहे थे और इधर हम एरिक एरिक्सन जी की बात कर रहे थे. ओके, तीसरी स्टेज जो आती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेज है बेबी के लिए. ठीक है, फ्राइड ने यहाँ पर उस स्टेज में जो प्लेइंग सेंटर है उसको माना है सेक्सुअल ऑर्गन. यहाँ पर आकर के जो बच्चा है वो अपने सेक्सुअल ऑर्गन को प्लेइंग सेंटर मानता है. ठीक है, और उन्होंने इस स्टेज को नाम दिया फैलिक स्टेज. फैलिक स्टेज, ओके. यहाँ पर जो बेबी की एज रहती है वो रहती करीब करीब 3 से 5 साल. हाँ, 3 से 5 साल एज रहती है. ठीक है, तो यहाँ पर जो उसकी जेनिटेलिया है वो उसका प्लेइंग सेंटर बन जाता, प्लेजर सेंटर बन जाता है. सॉरी, प्लेजर सेंटर क्या है? जेनिटेलिया. ओके, अभी जो अपने एरिक एरिक्सन जी थे उन्होंने इस स्टेज को सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर इस स्टेज पर आकर के यहाँ पर बॉय हो या फिर गर्ल हो उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं. और इस स्टेज का जो मेन पर्सनैलिटी है वहाँ पर बहुत ही अच्छा कुछ इफेक्ट्स होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट. यहाँ का एक्सपीरियंस अनकॉन्शियस माइंड में सेव होता है एंड दैट एक्सपीरियंस इज शोड ऑफ इन द पर्सनैलिटी ऑफ पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग. तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली बेबी बड़ा हो चुका है, 3 से 5 साल का हो गया है, चलने लग जाता है. ठीक है, अपने स्फिंक्टर्स कंट्रोल कर रहा है, उसको होप और विल पावर उसको मिल रहा है एक तरह से. ठीक है, ऑटोनॉमस था, डाउट और शेम कम था, ट्रस्ट है मान लिया हमने. ठीक, यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, जो बेबी बॉय होता है, पहले हम बॉय की बात करेंगे फिर हम गर्ल की बात करेंगे. ओके, तो जो बेबी बॉय होता है वो एकदम से सोचता है, वो एकदम से सोचता है क्योंकि उसकी जो प्लेइंग सेंटर है, प्लेजर सेंटर है, वो उसका पेनिस है. इस समय बेबी बॉय की बात कर रहे हैं, उसका प्लेजर सेंटर पेनिस है. तो वो इस स्टेज पर आकर के अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन साइकोलॉजी वो सोचता है कि व्हाई डू आई हैव पेनिस एंड माय मदर डोंट. ऐसा सोचता है वो कि मेरे पास है पर मेरी मदर के पास नहीं है, या फिर मेरी सिस्टर्स के पास नहीं है, या फिर कोई भी फीमेल कैटेगरी हो जिसको वो देखता हो उसके पास नहीं है. और ऐसा देखने के लिए उसके पास बहुत सारे चांसेस मिलते हैं क्योंकि मदर, सिस्टर्स या फिर अदर लेडीज इस एज के बच्चों को, 3 से 5 साल के बच्चों को उतना ध्यान नहीं देती हैं. उन्हीं के सामने ड्रेस चेंज करना वगैरह सब नॉर्मल है उनके लिए कि ये तो छोटा बच्चा है. बट उसके माइंड के अंदर ये चीज़ें चलती रहती हैं. वो सोचता है कि ऐसा क्यों. ठीक, ये सोचता है. उसके बाद सेकेंड चीज क्या आती है, पहली चीज तो ये है कि वो सोच रहा है इस चीज के बारे में. दूसरी चीज क्या आती है इस कंडीशन में कि जो बेबी बॉय है वो अपोजिट सेक्स में लव में फॉलन हो जाता है. मतलब वो मदर और फादर दो लोग हैं तो वो इस स्टेज पर आकर के मदर से लव करने लग जाता है. मदर से लव इन द सेंस कि अपोजिट सेक्स से वो प्यार करने लग जाता है कि मेरे पास है पेनिस, मदर के पास नहीं है. एक तो डाउट वो चल रहा है उसके दिमाग में और दूसरी कंडीशन क्या आती है कि वो मदर के लव में फॉल होने लग जाता है. ठीक, अभी जब वो मम्मी के, और हाँ सेम कंडीशन अपोजिट होती जाती है गर्ल के लिए, बेबी गर्ल पापा के लव में प्यार में वो होने लगती है, गिरने लग जाती है, फॉल होने लग जाती है. ठीक, क्या होता है यहाँ पर कि जैसे जैसे, मतलब कि यहाँ पर बेबी जो होता है वो चाहता है कि पापा मम्मी से दूर रहे. जैसे ही पापा घर में आते हैं तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करता है बेबी कि मम्मी का सारा अटेंशन मुझ पर रहे, बॉय पर, मतलब बेबी बॉय पर रहे और फादर पर अटेंशन ना रहे. ऐसा सोचता है वो किसी ना किसी तरह से चाहता है कि इन आदमी को मतलब हटा दो और मम्मी से दूर रखो. ऐसा है, वो कुछ भी सोचता है और मतलब वो एक तरह से मदर के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव हो जाता है इस कंडीशन पर. ओके, तो अभी क्या होता है, कितना भी बेबी अपनी इनोसेंट एक्टिविटीज से कितना भी पॉजेसिव रहे, कितना भी कुछ भी कर ले, पर जो मदर होगी वो ऑफकोर्स फादर की ओर ज़्यादा, अपने हस्बैंड की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट रहेगी. ठीक है, और वो बेबी की तरफ, क्योंकि अब बेबी 3 से 5 साल का हो गया है तो बेबी की तरफ उतना ध्यान नहीं रख पाएगी. ठीक है, जितना पहले रखती थी, और वो फादर की तरफ अट्रैक्टेड रहेगी तो नॉर्मल सी बात है. तो बेबी
बेबी के दिमाग में दो चीजें चल रही हैं, एक तो वो पेनिस वाली बात कि उसके पास पेनिस है जबकि उसकी मदर के पास पेनिस नहीं है, और दूसरी ये बात कि वो फादर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है, मेरी तरफ नहीं हो रही है। ठीक, ये सब सोचते 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 बेबी एक कंक्लूजन पर पहुंचता है, मतलब कि जितने भी बेबी बॉय हैं, ऑलमोस्ट ऑल द बेबी बॉयज कम्स टू द कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन? रिगार्डिंग द पेनिस। पेनिस से रिगार्डिंग क्या कंक्लूजन होती है कि ही थिंक्स दैट मदर, मतलब क्योंकि अब यहाँ यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है कि पापा जो होते हैं हमेशा बहुत ही हार्श होते हैं घर पे, है ना, इस एज के बच्चों के लिए पापा बहुत ही ज्यादा हार्श होते हैं क्योंकि शैतानी करते हैं। क्या होता है यहाँ पर कि बेबी सोचता है कि पापा इतने हार्श हैं, शायद मम्मी ने कोई मिस्टेक करी होगी, और मम्मी ने कोई मिस्टेक की होगी तो ये जो आदमी है पापा, इन्होंने उनका पेनिस काट दिया। ओके, उसको ये खतरा आ जाता है, ये डर आ जाता है उसके दिमाग में, उसके छोटे से माइंड में ये चीज़ चल रही है कि पापा उसका पेनिस काट दिए हैं और कहीं मेरा भी ना काट दें, इसलिए मैं उनसे डरूंगा और मम्मी के लिए ज़्यादा अपना प्यार रखूंगा। ये कंडीशन आती है और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कैस्ट्रेशन फियर। कैस्ट्रेशन फियर, ठीक, बेबी के छोटे से दिमाग में ये सब चीजें चल रही हैं अभी, उसको कैस्ट्रेशन फियर भी है, उसको मदर उसकी फादर की तरफ अट्रैक्टेड है उसका भी डर है। ठीक है, ये सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही हैं। तो बेबी क्या करता है, स्टार्ट सीड्यूसिंग द मदर इन इनोसेंट वेज, बट मदर ऑलवेज गिव्स अटेंशन टू हिज हस्बैंड। ओके, मम्मी हमेशा किसे हस्बैंड अटेंशन देंगी, अपने हस्बैंड को देंगी। तो ये जो मेंटल टेंशन है उसके दिमाग में, कौन कौन सी टेंशन? एक तो ये कैस्ट्रेशन फियर वाली टेंशन, ठीक, कौन सी? कैस्ट्रेशन फियर वाली टेंशन, और दूसरी क्या? पोजीशन ऑफ मदर टू हस्बैंड, मतलब मम्मी का हस्बैंड की तरफ अट्रैक्ट होना। ये दोनों मेंटल टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बेबी के माइंड में। ठीक, और बेबी के माइंड में जब ये दोनों टेंशन बढ़ जाती है तो इसको एक टर्म बोला जाता है, दैट टर्म इज कॉल्ड एज ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक, इसीलिए स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस स्टेज पर आता है एडिपस या फिर ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब इस ऑडिपस कॉम्प्लेक्स से किसी ना किसी तरह से कुछ भी करके इस बेबी को बाहर आना पड़ेगा। बेबी बॉय की बात हो रही है, बेबी बॉय में ये चीज काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है विद रिगार्ड टू कंपेरिजन टू बेबी गर्ल। ओके, एडिपस कॉम्प्लेक्स चल रहा है अभी, तो क्या होता है, टू रिजॉल्व दैट एडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक, वो सोचता है कि मम्मी को प्यार करना इतना अच्छी बात नहीं है, छोड़ो। ठीक, वैसे छोड़ता है, जैसे उसने ये सोचा तो उसकी सारी जो मेंटल टेंशन है वो एक तरफ से रिजॉल्व हो जाती है। ठीक, और बेबी का जो कैस्ट्रेशन फियर है वो भी यहां करके थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक, बेबी खुद में सोचता है क्या मदर लव छोड़ो, मम्मी तो पापा की तरफ ही अट्रैक्टेड है, छोड़ो कुछ नहीं है, सब बेकार चीज है, ऐसा सोचता है वो, और उसका जो एडिपस कॉम्प्लेक्स है वो इससे बाहर आ जाता है। ठीक, एडिपस कॉम्प्लेक्स से बाहर आ जाता है। अभी जब वो बाहर आता है तो यहां पर उसको दो चीजें मिलती हैं, मिल सकती हैं, एक आता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ठीक, अगर वो एडिपस कॉम्प्लेक्स से सक्सेसफुली बाहर आ गया तो उसको क्या मिलता है, एक इनिशिएटिव मिलता है कि हाँ मैं अब आगे कुछ भी कर सकता हूं, उसको एक मेंटल रिलीफ टाइप का मिलता है। जबकि उसके अंदर थोड़ा बहुत गिल्ट भी रहता है कि मैंने एडिपस कॉम्प्लेक्स को यूं ही ड्रॉप कर दिया। ओके, तो गिल्ट कम होना चाहिए और इनिशिएटिव ज्यादा होना चाहिए। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में आता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। क्या आता है? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ओके, यहां पर क्या होता है, बेबी गर्ल ऑल्सो फॉल्स इन द लव विथ फादर। ठीक,
तो हम बेबी गर्ल में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आता है, ठीक। इनको कोई कैस्ट्रेशन फियर नहीं होता क्योंकि इनके पास तो पेनिस ही नहीं है। अभी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन, इस स्टेज के बाद अनदर स्टेज आती है, ठीक। यहाँ पर बेबी स्कूल जाने लग जाता है, स्कूलिंग स्टेज सोशल एक्टिव में थोड़ा सा होता है। तो क्या होता है, इस स्टेज से इस स्टेज पे जाने के लिए जाते टाइम पर एक और कंडीशन आती है, लाइक जो बेबी बॉयज होते हैं वो सोचते हैं वो अपना एडिपस कॉम्प्लेक्स से बाहर आ चुके होते हैं, ठीक। देन वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि मदर किसे मिली, मुझे तो मिली नहीं, तो फिर किसे मिली, मतलब पापा को मिली। तो वो अपने पापा को अपना आइडल मानने लग जाते हैं, ठीक, क्योंकि वो अपोजिट सेक्स के लव में थे बेबी बॉयज। तो वो पहले तो एडिपस कॉम्प्लेक्स के लिए अपने उसको वो करते हैं, ड्रॉप करते हैं अपने आइडिया को कि नहीं मदर तो ऐसी है, कुछ नहीं है, तो उनका एडिपस कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा कम होता है, ठीक। फिर वो सोचते हैं, पर उनको गिल्ट भी थी हल्की सी, ठीक, ये उनका एक इनिशिएटिव था, फिर उनको थोड़ी सी गिल्ट भी थी कि मैंने क्यों ड्रॉप किया अपना आइडिया। फिर वो सोचते हैं कि आखिर मदर किसके पास है, फादर के पास है, तो वो अपने फादर को अपना आइडल मानते हैं और अपने फादर के जैसे एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। जैसे कि जिस सोफे पर पापा बैठते हैं उस सोफे पर बैठ जाएंगे छोटे बच्चे, हाँ चाय लाओ, हाँ मतलब खुद को बड़ा मानेंगे, ओके। और भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ऐसे बच्चों को मतलब एक खिलौने वाली कार ला के दी गई या कुछ भी दी गया, उनको खिलौना दिया गया, तो वो खुद को कार का ड्राइवर मानने लग जाते हैं, हाँ मैं तो कार चला रहा हूँ, ऐसे ऐसे ये कर रहे वो कर रहे वगैरह वगैरह एक्टिविटीज़ करते हैं बच्चे। और फीमेल्स में लड़कियाँ जो होती हैं बेबी गर्ल्स, उनमें आता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, वो खुद को मानती हैं कि वो अट्रैक्ट है अपोजिट सेक्स में, मीन्स कि वो फादर की ओर अट्रैक्टेड है, ओके। तो वो क्या सोचती हैं, बेबी गर्ल सोचती हैं कि फादर किसके पास है, मदर के पास है, तो वो अपनी मम्मी की तरह बिहेव करती है, मीन्स मम्मा की साड़ी पहन ली, घूम रही है, या फिर मम्मी के साथ रोटियां बनवाने में हेल्प कर रही है, या फिर अपना बारबी डॉल्स खेल रही है, चोटी बना रही है। यहाँ से उसके अंदर फेमिनाइन कैरेक्टर्स डेवलप होने लग जाते हैं, ओके। यहाँ से बॉय के अंदर बॉय वाले कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं और लड़की के अंदर फेमिनाइन कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। इसके बाद आती है अपनी नेक्स्ट स्टेज अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन, जो आती है स्किल स्टेज, मतलब स्किल इन द सेंस यहाँ पर आता है क्या, स्कूलिंग, स्कूलिंग स्टेज। अभी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है दैट अगर इनिशिएटिव्स बहुत ज्यादा हुए, मीन्स इफ इनिशिएटिव्स आर मोर विदाउट एनी गिल्ट, ठीक है, दैट लीड्स टू द रूथलेसनेस। रूथलेसनेस बेसिकली यहाँ पे इनिशिएटिव्स क्या थे हमारे, कि जो बॉय था बेबी बॉय, ही वॉन्ट्स टू अचीव मदर एंड बेबी गर्ल वॉन्ट्स टू अचीव फादर, उसके लिए वो कुछ भी करते हैं, ओके। उसके लिए वो कुछ भी करते हैं, मीन्स उनकी तरह तैयार हो रहे हैं, उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, पर वो आपस में रिलेशन में है और उनके अंदर एडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की वजह से वो आइडिया ड्रॉप करते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स हो रहे हैं और बच्चे को रोका नहीं जा रहा है, तो दैट लीड्स टू रूथलेसनेस। मतलब ऐसे आदमी क्या होते हैं, जब ऐसे आदमी बड़े होते हैं तो ये अपने गोल को अचीव करने के लिए एक एम बनाते हैं और उसको अचीव करने के लिए ये कुछ भी करते हैं, चाहे इनको किसी के सर के ऊपर से गुजरना पड़े, चाहे छाती पे पैर रखना पड़े, चाहे जो करना पड़े। ऐसे इंसान जिनमें इनिशिएटिव्स बहुत ज़्यादा होता है वो कुछ भी करते हैं अपने एम तक पहुँचने के लिए, कि हाँ मुझे ये करना है, मतलब करना है, फिर उनको नहीं फर्क पड़ता किसी चीज़ का, ओके। और अगर बहुत ही ज़्यादा गिल्ट है, बहुत ज्यादा गिल्ट है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स से निकल ही नहीं पाया इंसान, ठीक, तो देयर इज टू मच इनहिबिशन, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बहुत ही ज्यादा इनहिबिशन होगा। किसका होगा, हर एक चीज का बहुत ज्यादा इनहिबिशन हो जाएगा। दे इवन डोंट मेक एनी डिसीजन फ्रॉम देमसेल्व्स, ऐसे लोग खुद से कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं, ऐसे लोग कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेते अपने लाइफ में, ठीक। तो इसका भी एक पर्टिकुलर बैलेंस होना चाहिए। यहां पर हम फेलिक स्टेज में थे, इनिशिएटिव और गिल्ट की बात करी, और मोस्टली
इस कंडीशन पे ही लोग अपनी आगे की पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, ठीक, कि उनको वो बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव है, वो बहुत ज़्यादा गिल्ट है, या फिर वो बैलेंस्ड है। हाँ, नेक्स्ट टू दैट, इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, जहां पर हमने जो कॉन्सेप्ट बताया, सेम कॉन्सेप्ट इधर आता है। फ्राइड जी ने बताया इसको सेक्सुअल लेटेंसी स्टेज। ओके, तो यहां पर फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सेक्सुअल लेटेंसी स्टेज में भी यही था कि एडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप हुआ, जिसकी वजह से बेबी को मालूम चला कि ठीक है ये सब बेकार है, पर उसके अंदर हल्का सा गिल्ट था। ठीक है, इनिशिएटिव्स तो थे पर उसके अंदर गिल्ट भी था हल्का सा। ओके, जब इस कंडीशन को पास होता है तो उसको एक अवार्ड मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, दैट इज पर्पस। ठीक, ये पर्पस, जब वो मतलब कॉम्प्लेक्स वगैरह से क्रॉस कर लेता है तो उसको एक रिवॉर्ड में क्या मिलता है, पर्पस। पर्पस का क्या काम होता है, इनिशिएटिव्स विद अ पर्पस। मतलब एक 2 साल का बच्चा है, उस 2 साल के बच्चे ने एक वॉच ली पापा की और उस वॉच को उसमें डाल दिया, क्या नाम उसका, वॉशरूम में डाल दिया, फ्लश कर दिया उसको। ठीक, तो क्या उसको पापा मारेंगे? अगर पापा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं और इंटेलिजेंट हैं और ये जानते हैं साइकोलॉजी के बारे में, तो ऑफकोर्स ही बात है वो नहीं मारेंगे, क्योंकि वो वॉच एक 2 साल के बच्चे के लिए सिर्फ एक चमकती हुई चीज है, एक चमकती हुई चीज जिसमें कुछ टिक 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 चल रहा है। उसको नहीं पता वो क्या है, उसको नहीं पता वो वॉच है कि क्या है, उसको तो बस मजा आ रही है कि वो राउंड एंड राउंड एंड राउंड और वो नीचे जा रही है। तो दैट इज इनिशिएटिव, रॉन्ग इनिशिएटिव, बट दिस इज नॉट इंक्लूडेड एज अ गिल्ट फॉर द बेबी। बेबी को कोई गिल्टी नहीं होगा उस चीज का, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कोई चीज। बट अगर एक 5 साल का बच्चा ये चीज करेगा, ऐसा इनिशिएटिव लेगा, विदाउट अ पर्पस इनिशिएटिव लेगा, ठीक, तो क्या होगा, तो उसको पता है, उसको पता है पापा गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर, ठीक है, पर वो चीज करने के बाद उसको क्या फील होगा, गिल्ट फील होगा। अभी वो क्या है, रॉन्ग इनिशिएटिव है, वो बिना पर्पस का इनिशिएटिव नहीं है। ठीक, तो इस जगह पर जो रिवॉर्ड आ रहा है वो पर्पस इसीलिए आ रहा है कि पर्पसफुल इनिशिएटिव जो आगे लाइफ में काम आता है, और गिल्ट, ठीक, अभी इनिशिएटिव अगर पर्पसफुल नहीं है तो जैसा कि मैंने बताया था कि लोग इतना सेल्फिश, मतलब जो सेल्फिश नेचर होता है आगे का, आगे लाइफ में, एडल्ट लाइफ में जो सेल्फिश नेचर होता है वो पर्पसफुल इनिशिएटिव की वजह से नहीं, मतलब नॉन पर्पसफुल इनिशिएटिव की वजह से होता है, कि वो इनिशिएटिव लेते हैं पर उसको कोई पर्पस नहीं। अब वो खेल रहा है, खेल रहा है, 5 साल का बच्चा, उसने कुछ कर दिया, पापा की पैंट फाड़ दी, पापा की शर्ट काट दी, प्रेस से जला दिया, टीवी फोड़ दी घर की, कोई कुछ नहीं बोल रहा उसको, कोई डांट नहीं रहा है, तो दैट इज नॉन पर्पसफुल इनिशिएटिव। अगर वो ऐसी चीजें करते जा रहा है और फादर या मदर उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, दैट इज नॉन पर्पसफुल इनिशिएटिव। ओके, और ऐसे बच्चे आगे चल के क्या बनते हैं, जो मैंने बताया, सेल्फिश। सेल्फिश इन द सेंस अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वो कुछ भी करते हैं, किसी भी हद तक जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एज अ सेम, अगर उन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया अपनी लाइफ में, ठीक, एक छोटे से छोटा भी इनिशिएटिव लिया, वो गलत हो गया, मान लो वो गलत हो गया, उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा मारा, मम्मी पापा ने बहुत पीटा उनको, तो दैट कंडीशन लीड्स टू गिल्ट। ठीक है, दैट कंडीशन लीड्स टू गिल्ट। और ऐसे पीपल, ऐसे लोग जब बड़े होते हैं गिल्ट वाले, तो उनके पास कोई पर्पज ही नहीं होता है लाइफ का, उनको क्या करना है आगे लाइफ में उन्हें मालूम ही नहीं होता है, उनके खुद के कोई डिसीजन ही नहीं होते हैं, खुद के कोई इनिशिएटिव ही नहीं होते हैं, उनको नहीं पता होगा उन्हें क्या करना है, तो दैट इज गिल्ट कंडीशन। और इनका जो भी डिसीजन होता है वो सोचते हैं मेरा डिसीजन कोई और ले ले, मैं क्या लूं, मुझे नहीं समझ आता, ऐसा बोलते हैं ये लोग। मीन्स नॉन पर्पसफुल इनिशिएटिव लिया गया, मीन्स या फिर पर्पसफुल इनिशिएटिव ही लिया गया, ओके, बट वो गलत हो गया, या फिर किसी रीजन से मॉम या डैड को पसंद नहीं आया, फिर उन्होंने बेबी को मारा पीटा, जो भी किया हो उस पर, हार्श में हार्श मतलब थोड़े हो गए बेबी पर, दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ गिल्ट इन हिज पर्सनैलिटी। और ये गिल्ट फर्दर क्या लीड करता है, जो मैंने बताया,
नेक्स्ट टू दैट सेक्सुअल लेटेंसी स्टेज, ठीक है, जिसमें उधर साइड पर अपने को क्या मिलेगा, उधर साइड पर अपने को देखने को मिलेगा इंडस्ट्री या फिर इंफीरियोरिटी। इंडस्ट्री या फिर इंफीरियोरिटी। तो सेक्सुअल लेटेंसी स्टेज हमने बताया जैसे कि फैलिक स्टेज था, बेबी डेवलप हो रहा था, हाँ एकदम से उसको लगा कि मदर कुछ नहीं है, वो अपना एडिपस कॉम्प्लेक्स से बाहर आया, देन वो सोचा कि मदर को किसने जीता है, फादर ने, तो वो एज ए बिहेवियर लाइक ए फादर, एंड गर्ल चाइल्ड बिहेव लाइक अ मदर, दैट इज कॉल्ड ए सेक्सुअल लेटेंसी स्टेज। ओके, इधर आते हैं इस स्टेज पर ही, यहां पर क्या होता है, यहां पर बच्चा स्कूलिंग एज में आ चुका है, ठीक, ये है मतलब मान के चलो 6 to 12 years है। अब यहां पर इंडस्ट्री और इंफीरियोरिटी क्या चीज है, क्या होता है स्कूलिंग एज में जाने के बाद बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, सोशल एक्टिविटीज में बेबी को पार्टिसिपेट करना पड़ता है, अपनी नई नई स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है, जो चीज़ें उसने कभी करी नहीं है लाइक पढ़ाई वगैरह, तो उसने कभी पढ़ाई नहीं है वो भी चीज़ें उसे पढ़नी पड़ रही हैं, ठीक है, लाइक मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स बेबी ने कभी नहीं सॉल्व करी और उसको ऐसे स्टेज पर आकर सॉल्व करनी पड़ रही है। तो अगर वो अपने काम में अपनी एक्टिविटीज में वो सक्सेसफुल हो जाए, उसको बहुत ज़्यादा तारीफ मिले इधर उधर से कि हाँ बहुत अच्छा काम किया, दैट इज लीड्स टू इंडस्ट्री। पर अगर वो फेल हो जाए या फिर उसको बार बार टॉन्ट सुना जाए, अरे तुमने फेल हो गया, तुम गलत किया, तुमने ये गलत किया, तुमने वो कर दिया, दैट लीड्स टू इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इन द बेबी एंड दैट विल शो इन द पर्सनैलिटी इन द एडल्ट लाइफ। ओके, यहाँ से बेबी को क्या मिलता है, यहाँ से एज ए रिवॉर्ड बेबी को मिलता है स्किल या फिर कॉम्पिटेंस, मतलब बेबी जो होगा वो स्किलफुल होगा, मतलब आगे की लाइफ में फर्दर लाइफ में कोई भी चीज़ आ जाए उसके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, सबसे पहले अगर पॉजिटिवली वो डेवलप हो रहा है तो उसके अंदर होप रहेगा कि हाँ वो कर सकता है, कभी फेल हुआ तो भी उसके अंदर होप रहेगा, उसके अंदर विल पावर रहेगी कि यस वो कर सकता है, कर सकता है, एक पर्पस रहेगा उसकी लाइफ का और उसके अंदर स्किल्स रहेंगे, ओके कि नहीं मुझे ये सब्जेक्ट क्यों नहीं आता, मैं पढ़ूंगा ये चीज़ मुझे आनी चाहिए, दैट इज स्किल ऑफ द बेबी। उसके अंदर कॉम्पिटेंस रहेगा कि हाँ मैं इस चीज़ को कम्पीट करूंगा, मुझे करना है, स्किल है उसके अंदर, कोई भी चीज़ वो पढ़ने के लिए अपनी कोशिश करेगा पूरी, क्योंकि उसके पास होप भी है, उसके पास विल पावर भी है, उसके पास एक पर्पस भी है और सबसे ज़्यादा चीज़ उसके पास स्किल भी है। तो दैट कम्स इन द स्कूलिंग एज, दैट हमें स्कूल में जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको भी कभी इन्फीरियोरिटी में नहीं डालना है, हमेशा उनको मोटिवेट करना है, ओके तुम अच्छा कर रहे हो, यू आर नाइस, अच्छा कर रहे हो, कोशिश करते रहो, दैट इज इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट टू दैट सिगमंड फ्रायड ने लास्ट स्टेज यहां पर बोली, दैट इज जेनाइटल स्टेज। फ्रायड सर ने यहां पर लास्ट स्टेज बोली जेनाइटल स्टेज, ठीक है, जेनाइटल स्टेज में आने के बाद जो लड़का या लड़की है ही स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन द अपोजिट सेक्स। ओके, ही स्टार्ट मतलब कि मदर की तरफ इंटरेस्ट था, यहां पर अपोजिट सेक्स में इंटरेस्ट ले रहा है बट नॉट एज अ मदर, वो यहां पर अपना पार्टनर चूज करने की क्षमता में आ जाता है, क्योंकि यहां से स्टेज आगे चालू हो जाती है, 12 साल तो हो गए, 12 से आगे की स्टेज यहां पर शुरू होती है। तो यहाँ पर ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस एंड वेरियस साइकोलॉजिकल चेंजेस द बॉय और गर्ल, यहाँ पर क्या था, बॉय बॉय के साथ खेलना पसंद करता था, गर्ल गर्ल के साथ, अक्सर स्कूल एज में यही होता है। जेनिटल स्टेज में आने के बाद बॉय गर्ल गर्ल बॉय दैट इज अपोजिट सेक्स की तरफ इंट्रैक्शन होता है। तो फ्राइड सर ने अपने 5 conditions में 5 stages में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को एक्सप्लेन कर दिया। देन जो अपने एरिक एरिक्सन सर थे उन्होंने फर्दर इसके आगे और एक्सप्लेनेशन दिया, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।